जिले में रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहनों से अवैध भालू खनन कर ले जाया जा रहा है। सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद भालू के अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिले के कई थाना क्षेत्रों बैढ़न, बरगमा, चितरंगी एवं जियावन देवसर में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ रात होते ही सफेद रेत का कालो कारोबार शुरू हो जाता है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस अवैध कारोबार में लगी हुई है। अभी तक इस गोरख धंधे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में सिंगरौली पुलिस नाकाम रही है। हालांकि पुलिस की गश्त डायल 100 नंबर पर कुछ विशेष गठित दल की गाड़ियां घूमने के बावजूद भी बालू का अवैध खनन होने से पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। लोगों का कहना है कि जिले के कुछ रसूखदार तथा प्रशासन के ही तमाम लोग रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। रेत माफिया अवैध ढंग से बालू का उत्खनन कर जहां मालामाल हो रहे हैं, वहीं महंगे दाम पर बालू बिकने के कारण लोगों को घर बनाने में दिक्कत हो रही है। हमारे सिंगरौली संवाददाता ने बताया कि चितरंगी, बैढ़न, बरगमा एवं जियावन थाना क्षेत्रों में बालू खनन का अवैध कारोबार सबसे अधिक हो रहा है। यहां रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में अभी तक तो प्रशासन पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। हालांकि जिले में बालू का अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा लगातार धरपकड़ की जा रही है। संबंधित विभागों को लगातार छापा मारकर बालू का अवैध खनन रोकने का निर्देश भी दिया गया है। लंबे समय से रेत खदानों में अवैध रूप से खनन कर क्षेत्र का अवैध कारोबार करने की शिकायत सिंगरौली पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अधिकृत रास्तों को बंद करते हुए वहां नोटिस चस्पा कर दिया है, जिससे रेत खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देश पर बरगवा टीआई नागेंद्र सिंह अपने दल के साथ पहुंचकर चिंगी टोला, मीटवानी, रेत खदानों के सहित अन्य कई अनाधिकृत रास्तों को उन्होंने बंद करा दिया है। वहीं बैडन टीआई अरुण पांडे बलियरी, गनियारी एवं देवरा में अवैध खनन परिवहन को लेकर अनाधिकृत रास्तों को जेसीबी मशीन से खुदवा कर बंद कराते हुए नोटिस बोर्ड लगाया है। चितरंगी थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सभी अनाधिकृत रास्तों को बंद कराकर बोर्ड लगाकर सूचित किया जा रहा है। इस कार्रवाई से रेत का अवैध खनन एवं परिवहन करने वाले कारोबारियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि जिले में एकल ठेका प्रणाली लागू होने के बाद अधिकृत संविदाकार द्वारा की गई शिकायत पर जिले में चल रहे रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर पाबंदी लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। इंडिया खबर लाइव के लिए सिंगरौली से अग्रनाथ चतुर्वेदी की रिपोर्ट।